अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये देखिए मेरे पास एक स्टॉल या शॉल जो भी बोल लो, लेकिन ये मतलब है तो स्टॉल लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा है। तो इसका मैं क्या करूंगा, देखो तो चुन्नी तो लेती नहीं, वीडियो में देखा ही आप लोगों ने, शॉल ओढ़ने के काम करने में और ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसका चलिए एक बढ़िया सा पांचों बनाते हैं, जो एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है और थोड़ा सा आजकल बड़े फॉर्म में भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे स्टॉल। तो स्टॉल को क्या करेंगे ना, दो फोल्ड में पहले आधे से इसे फोल्ड करके और आधा इसे काट के निकाल देंगे। लंबाई आप अपनी रिकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे हम ले रहे हैं, लेंगे यहाँ पे 18 इंच पर, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और आप अगर चौड़े वाले शॉल ले रहे हो ना, तो आपके एक में दो ही दो पौचू बन जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ का हमने कट करके निकाल दिया है, लेकिन जो इसमें ये लटकन लगे हुए हैं ना, इसे भी निकाल लूंगी, क्योंकि लटकन जब हम निकाल लेंगे ना, तो इसे काट काट के चारों तरफ से लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल हमने इसको कट करके निकाल दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो है कट करके निकाल देना है, क्योंकि हम थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप बड़ा चाहते हो ना, तो आप जैसे हम 18 इंच ले रहे हैं, तो आप 20-22 भी ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़े हो जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगा देती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, मैं उसे कट कर दूंगी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम 18 इंच पे निशान लगा देते हैं और इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। चलो वापस से जो इसका दूसरा पार्ट है उसे भी हम इसी हिसाब से मतलब इसी के नाप का कट कर लेंगे। बस इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अब दूसरा पार्ट जो हम लेंगे ना, तो इस तरह आड़ा टेढ़ा करके रखेंगे। तो देखिए जब हम इधर के रखेंगे, तो हमारा इधर एक्स्ट्रा कपड़ा जो बढ़ रहा है, अब इसे कट मत करिएगा, क्योंकि इसी से तो हमारा पोंचू बढ़िया सा बनेगा। चलो एक तरफ ज्यादा कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये लगभग है कम से कम 8.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देंगे और वापस से इस कॉर्नर को उठाएंगे और नीचे वाले कॉर्नर का जो है यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों कॉर्नर तक हम सिलाई लगा देंगे, तब हमारा और कपड़ा बच जाएगा, मतलब और बच जाएगा। तो ये जो बच जाएगा पार्ट ना, जो सिलाई नहीं होगा, ये हमारा गला हो जाएगा, मतलब नेक हो जाएगा। अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। अब आप देख सकते हो ये नेक अपने आप ही बन के तैयार हो जाता है दोनों तरफ से सिलने पे। तो चलो इसे हम सिल देते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया कि दो सीधी सिलाई हमें करनी है, दोनों कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, और दूसरा कॉर्नर उठाएंगे उस कॉर्नर तक, ठीक है। दोनों कोनों से हम यहाँ पे सिलाई कर देते हैं। ये देखो बस ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, लेकिन यहीं पे हमारा जो है गला बनेगा, ठीक है। अब दूसरे कॉर्नर से उठाएंगे यहाँ से और सिलाई सीधी लगा देंगे, ठीक है। ये बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान है, आप जब भी बनाना चाहते हो ना तो बना लीजिए, और मात्र 10 मिनट का काम है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसमें से। सिर्फ एक कट लगाइए और आपका पोंचू बन के तैयार हो जाता है, दो सिलाई में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो हमने इसे सिल दिया है और आप देख सकते हो इसका जो नेक हमने जैसा कहा था ये हो गया, और दोनों सिलाई जो है एक तरफ हमने करी, मतलब दोनों को बराबरी में करके और इसे कर देंगे, ठीक है। अब हम जो लटकन कट करके रखे थे ना, अब हम जैसे तीन तीन लटकन हमने एक साथ थोड़ा थोड़ा दूरी पे बना के इसे लगा रहे हैं, ताकि हमें मतलब चारों तरफ से लग जाए, कम ना पड़े। अगर हम ऐसे लगाते ना, तो ये कम पड़ जाता, सिर्फ दो साइड में आता है। अब इसे हम हमारे ये चार साइड हो जाते हैं ना। और देखिए लटकन हमने लगा दिया। अब हम गले का इस तरह से जैसे ओरेवी पट्टी होता है ना, उसे कट कर लिया, और यहाँ पे गले पे आप चाहो तो इसमें कॉलर भी लगा सकते हो, बट मैं कॉलर नहीं लगा रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ, ये भी अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा बढ़िया सा पोंचू बन के तैयार है, कितना बढ़िया लुक आया है और देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है ना, ये स्टॉल का अच्छा यूज।
अच्छा सा पोल्ट्री बन के हमारा तैयार हो, बहुत ही कम समय में बनता है और बहुत आसानी से, और पहन के ना बड़ा अच्छा लगता है, और आपको एक सही इस्तेमाल भी हो जा रहा है। कई बार होता है कि हम स्टॉल वगैरह ओढ़ के बोर हो जाते हैं, काफी टाइम से रखा रहता है तब भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसे डाल के भी दिखा दूंगी, और आराम से अच्छा बना हुआ है, आप इस तरह से बना सकते हो, है ना, अच्छे भी लग रहे हैं, तो ऐसा आप भी बना सकते हो। पर दोनों हाथ खाली है बिल्कुल, आपको इसमें कोई संभालने की जरूरत नहीं है, और एक अच्छा यूज हो रहा है। तो जरूर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये पॉन्चू आपको कैसा लगा। ठीक है, देखिए, और इसमें मैं इसको जो इसका ये जो झालर था, तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा कट करके, पूरे में नहीं आ रहा था तो चारों तरफ से लगा दिया है, तो जिसे एक साइड में रहता एक नहीं रहता तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, तो इस तरह से मैं इसे लगा दी हूँ। अब हमें बनाना था पावदान, तो जैसे कई दरवाजे हो जाते हैं सर्दियों में, हर दरवाजे पे हर बेड के पास होना चाहिए, किचन में भी चाहिए होते हैं, तो अरे यार जब आराम से घर पे कर सकते हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं मार्केट में जाऊं और पैसे खर्च करूं, कि मैं शायद मैं उत कंजूस हूँ, आप लोग ऐसा सोचोगे, लेकिन बेस्ट कपड़े बहुत ज़्यादा घर में होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पावदान, तो मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ करने वाली हूँ इसके साथ, तो सिंपल सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि अगर डिजाइनर बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेन डोर के लिए मैंने डिजाइन वाला बना रखा है, और आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है, पिछले वीडियो में मैं काफी टाइम पहले ही बनाई थी, उसमें मैंने बना रखा है। तो देखिए इसका जो बेस था ना, ये इनर था, खराब हो गया था, तो इनर हमने अच्छे से बेस बना दिया है, और इसका कवर लगाने के लिए इस कपड़े को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मेरे पुराने ही कुर्ती थे उसके लिए उसका है, मैंने इसको कट कर दिया है, और कहीं ना कहीं इसे वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ, काफी पहना है इसे। ठीक है, बस अब इस तरह ही दोनों को हाथ डालेंगे इसके अंदर और कॉर्नर को पकड़ेंगे और पलट देंगे, सिंपल सा है फ्रेंड्स, अगर कहीं पानी गिर गया ऐसे पोंछ देते हैं, मतलब बहुत यूज में आता है, आप जब इस्तेमाल करोगे ना तो खुद ही। अब मैं पिछले साल गांव पे गई थी, मैं ऐसे लोगों के दरवाजे पे देखा कि भाई ऐसे बोरी रखी हुई है, तो उन सब चीजों से कहीं ज्यादा ये बहुत अच्छा यूज में आ जाता है, कि घर के जो बेस्ट चीजें हैं वो भी यूज में आ जाए और देखने में खूबसूरत भी लगे। तो आप इस तरह से बना सकते हो, कोई डिजाइन भी बना सकते हो इसमें, कुछ जैसे इसी कपड़े का कुछ फूल वगैरह बना के, फ्लावर बना के इसमें लगा सकते हो, लेकिन ये कपड़ा वैसे ही फ्लावर वाला है, तो इसलिए मैंने इसे सिंपल सा छोड़ दिया है। और एक बना रही हूँ और किचन के लिए, बिल्कुल कॉटन कपड़े में बना रही हूँ, किचन वगैरह में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब खड़े होते हैं ना तो पैर के नीचे कुछ चाहिए होता है, तो ये भी हमारा बन के तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हो इसे भी मैंने बना लिया। फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पे रख दो, वॉशरूम के सामने रख दो, बेड के पास रख दो, बहुत अच्छे से इस्तेमाल आ जाते हैं, पुराने कपड़े हैं इसमें, हमने कुछ भी नया इस्तेमाल नहीं किया है। और एक और बना दिया, एक देखो, एक साथ दो बना दिया, इसमें भी पुराने कपड़े बिल्कुल है, इसमें भी कोई नया कपड़ा नहीं गया है, अब इसको कहीं भी रख दो, बहुत